मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देखे एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। जिसने आपको वही बात दे दी है जो आप सुनना चाह रहे हैं, तो उसने आपके साथ कोई भला नहीं किया। भला उसने किया है जो आपको वो बात सुना दे जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आपको वो बात सुनाना जो आपको सुननी चाहिए लेकिन आप तैयार नहीं हैं, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। और कौमों का सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि जब उनके दानश्वर वो बात करने की बजाय जो उन्हें करनी चाहिए वो इस बात करने पे आ जाएं जो लोग सुनने पे आमादा हैं। और यही हमारे साथ हुआ, क्योंकि वो बात करना जो करनी चाहिए इसकी कीमत देनी पड़ती, और कुछ भी ना हो तो आपकी बात बिकती नहीं है, आपकी किताब नहीं बिकती है अगर आप किताब लिखने वाले हैं तो, और कुछ भी नहीं देंगे, कोई जरूरी नहीं तलवार ही उठा के आपके पीछे आ जाए, और कुछ भी ना हो तो आपको सुनाने वाले ऑडियंस नहीं मिलते हैं। और हर एक का दिल करता है कि मजमा लगा हुआ, तो जब मजमा लगाने की तस्कीन करने के लिए जाता है तो फिर बात मीठी मीठी और वो करता है जो लोग सुनने पे जिनको प्रॉब्लम ना हो, और वो फायदा नहीं कर रहा होता। हमारी नजर में हमारे चंद एक मसाइल बेशुमार होंगे जितने आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं कोई भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मिलावट है, लाकानूनियत है, करप्शन है, हुकूमत, सारा कुछ है, ऐसे ही है ना, ये मसाइल हैं हमारी नजर में। दहशतगर्दी भी है। मेरे ख्याल में जो मसाइल होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं, नतीजा होते हैं, विजिबल होते हैं, जो आपको नजर आ रहे होते हैं, और उन नतायज के पीछे कुछ अवामिल भी होते हैं जो उनका सबब होते हैं, ऐसे है ना। अगर आपने फसल लगाई है और फल सही नहीं आया उसके ऊपर, तो फल कमजोर आने के, कम आने के, ना आने के कोई अवामिल होंगे, लेकिन उसके कुछ पीछे कवानीन भी होते हैं। मिसाल के तौर पे एंड रिजल्ट है अफलास, गुर्बत। इसके बजाहिर नजर मानने वाले अवामिल क्या हैं? वसाइल की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी है। कानून क्या है? और कानून वो पहलू है जो समझाने के लिए अल्लाह ने किताबें और नबी भेजे। वो कहता है जो तुम्हें असरात नजर आ रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, इनके बजाहिर कुछ अवामिल हैं लेकिन वो अवामिल हकीकी नहीं हैं, उनके पीछे असल में कवानीन हैं। तो अफलास का कानून क्या है, क्यों आती है अफलास? कुरान से पूछिए, उस तक पहुंचने से पहले मैं यहां पे आपसे शेयर करूं। आपने शाह वलीउल्लाह का नाम सुना होगा, इमाम गजाली का भी सुना होगा। वो ये कहते हैं कि मलाए आला एक आसमान है जिसके ऊपर फरिश्ते अल्लाह के कानून के मुताबिक जमीन पे लोगों के आमाल के नताएज को मुरत्तब करने के लिए असबाब तरतीब देते हैं। क्या करते हैं? जमीन पे लोगों के आमाल के नताएज मुरत्तब करने के लिए असबाब तरतीब देते हैं। लोगों के आमाल तकाजा करते हैं कि उन्हें रिस्क की फरावानी दी जाए, तो पानी की बहुतात होती है, मौसमी बारिशें आती हैं, हवाएं अच्छी चलती हैं, जमीन जरखेजियां उगलती है, रिस्क की फरावानी हो जाती है। तो बजाहिर अवामिल कौन से हैं?
मौसम अच्छे, हवाएं अच्छी, जमीन की जरखेजी, लेकिन असल कानून है लोगों के अमाल, और लोगों के अमाल तकाजा करते हैं कि उनको रिस्क की कमी से दो चार किया जाए। तो बेमौसमी हवाएं चलाते हैं, फ्लड्स आते हैं, बजाहिर नजर आने वाले अमामिल हैं, हवाओं का चलना, फ्लड्स का आना, मौसम का खराब होना, लेकिन असल कानून है कि लोगों के अमाल किस चीज का तकाजा करते हैं वो उनको दिया जाए। तो यहां कहते हैं कि क्रिटिकल मामला यह है कि जब लोगों की नजर बजाहिर नजर आने वाले अवामिल पे चली जाए और कानून पे ना जाए, तो उन्होंने सिर्फ कानून का ही इनकार नहीं किया, असल में अल्लाह का इनकार किया है। और हकीकी कुफ्र ये है, हकीकी इनकार ये है कि आपकी नजर अवामिल पे गई है, आपने मुसब्बिबुल असबाब बारिश को, पानी को, जमीन को, मौसम को ठहरा दिया है, अल्लाह को नहीं ठहराया। लोग बेयकीनी, महकूमी, लालच, बुग्ज, अनाद अगर रखते हैं तो कवानीन के मुताबिक उनको कैसे नताइज मिलने चाहिए? अल्लाह ताला नताएज मुरतब जमीनी अवामिल के जरिए से ही करेगा, और वही इम्तिहान है कि नजर अवामिल पे जाती है या नजर वायलेशन पे जाती है। और अगर लोगों ने खुद शनासी, खुद इन्हसारी, खुद एतमादी, यकीन, अज़्म, इरादा और अमल का मुजाहिरा किया तो फरावानी मिलेगी, इख्तियार मिलेगा, अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। कौम तकाजा करती है कि उसे भूख दी जाए, खौफ दिया जाए, महकूमी दी जाए, तो भूख, खौफ, महकूमी लोगों के जरिए से मुसल्लत करेगा, लेकिन लोग उसका सबब नहीं होंगे। सबब उन लोगों के अपने आमाल होंगे। तो कुरान के मुताबिक हमने कहा था कि रिज्क की तंगी का सबब है वसाइल की कमी, लेकिन सूरह ताहा पढ़ें तो कुरान कहता है कि जो अल्लाह को रब मानकर उसके तकाजों के मुताबिक हर काम करने से गुरेज करता है, हम उसकी मईशत तंग कर देते हैं। उसको लगता है मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कानून ये है कि वो अल्लाह को रब मान के उसके तकाजों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, रिस्क उसका इस वजह से तंग किया गया है। और फिर वो ये भी कहता है ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, जो मैंने मुसल्लत कर दिया है उसको बदलने नहीं दूंगा उस वक्त तक जब तक कि उसके सबब को ना बदलूं। सबब क्या है? अल्लाह के कवानीन से इन्हराब, और नतीजा किसने मुरतब किया? अल्लाह ने। तो असबाब को बदले बगैर जब नताइज को बदलने की कोशिश करेंगे तो चैलेंज किसको करेंगे? मैं ख्वाजा साहब की इंडस्ट्री में मैनेजर हूं, शायद मुझे ख्वाजा साहब इजाजत है, इन्होंने मुझे साइनिंग अथॉरिटी दी हुई है, मैंने वायलेशन की, इन्होंने शाम को 4 बजे बैंक को फोन करके इंस्ट्रक्शन दे दी कि इनका साइन किया होगा कोई भी चेक आए वापस कर दे। मुझे नहीं पता, मैं चेक ले गया, मैं बैंक मैनेजर के साथ लड़ रहा हूं। जमीन की हर एक चीज अल्लाह के कब्जे में है ना, और उसी के हुक्म से चलती है। जब उसने उन चीजों को रोका कि इस बंदे तक नहीं जाना, और बंदे ने उन चीजों से लड़ना शुरू कर दिया, जब मैंने असबाब को घुमाना शुरू किया तो उन्हीं से लड़ रहा हूं ना,
राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पानी, हमारा पानी कम हो रहा है, इंडिया दरिया बंद कर रहा है। कुरान से पूछिए, कुरान कहता है जो अल्लाह को रब मानकर उसके तकाजों के मुताबिक हर काम करने से गुरेज करते हैं, ये तो हम पढ़ चुके। अगला पढ़ते हैं पानी वाला। और लोग अगर राह रास्त पर साबित कदमी से चलें तो हम उन्हें फरावानी से पानी दें, और अगर पानी नहीं मिल रहा तो सबब क्या हुआ? तो जब आपका पानी उसने रोकना है तो किसी के जरिए से ही रोकेगा। और आपने उससे लड़ाई शुरू कर दी जिसके जरिए से उसने पानी रुकवाया, तो आप शायद उसे हरा भी देंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पानी छुड़ा देंगे, क्योंकि पानी बंद अल्लाह के हुक्म से हुआ है। पानी नहीं छुड़ा सकते आप, उसको हरा सकते हैं जिसने पानी बंद किया, लेकिन फिर पानी बंद करने का अल्लाह कोई और रास्ता निकालेगा, और वो उसको छुड़ाने आपको इसलिए देता है कि आप इल्यूजन में मुब्तला रहे हैं। वो आजमाना चाहता है कि यकीन जाते हैं वापस उसकी तरफ के नहीं। नताइज जमीनी अवामिल से ही मुरत्तब होते हैं, और यही इम्तिहान है कि नजर जमीनी अवामिल पे जाती है या मुसब्बिब और असबाब पे जाती है, या कानून बनाने वाले पे जाती है। मईशत तंग हो गई तो वो कहता है कि तुमने मेरे कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो मैंने तुम्हें तंगी दी है, उसको ठीक करो, मईशत दे दूंगा, सुकून दे दूंगा, आराम दे दूंगा, भूख मैं मिटा सकता हूं, तुम्हारे रिज़्क़ की फरावानी मैं दे सकता हूं। और अगर बंदे ने उसको बदलने की बजाय जाहिर नजर आने वाले अवामिल को बदला तो यही अल्लाह का इनकार है। बेरूनी मुदाखलत, दो सूरह अहज़ाब में कुरान मजीद दो मिसालें देता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो उसने तुम पर किया, जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने आप पढ़िए नजर ना आए। यहां मिसाल दे रहा है कि तुम क्वालिफाई करते थे कि तुम्हें फतह दी जाए, तुम्हें कामयाबी दी जाए, तो अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त देने के असबाब उसने पैदा कर दिए, वो तुमसे ज्यादा था लेकिन उसको शिकस्त दी। दूसरे मौके पे तुम तादाद में उससे तीन गुना थे लेकिन क्वालिफाई करते थे कि तुम्हें फतह ना दी जाए, तो अल्लाह ने उनके दिलों से तुम्हारी हैबत उठा दी और वो तुम पे चढ़ दौड़े। कानून क्या हुआ? कानून क्या हुआ कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारे हथियार, तुम्हारी तैयारी, कोई भी चीज असल में नताएज मुरत्तब नहीं कर सकती। नताएज मुरत्तब तब होंगे जब तुम क्वालिफाई करोगे कि अल्लाह के यहां से सैंक्शन आए कि ये नताएज मिलने हैं तुम्हें। वो जमीनी हकायक नहीं है, वो जमीनी अवामिल नहीं है, वो तुम्हारी नीयतें हैं, तुम्हारे अमाल हैं। हमारे प्रॉब्लम इंफरादी हो सकते हैं, मुआशरती हो सकते हैं, मुआशी हो सकते हैं, कौमी हो सकते हैं। कुरान इनको तीन कैटेगरी में डालता है, वो कहता है अफलास होगी, महकूमी होगी और जिल्लत होगी, और इसके मुकाबले में कहता है फरावानी होगी, इख्तियार होगा और इज्जत है। कानून से पूछते हैं किसी फर्द को, किसी कौम को, किसी मुआशरे को अफलास, महकूमी और जिल्लत कैसे मिलती है, और कोई मुआशरा फरावानी, इख्तियार और इज्जत के लिए कैसे क्वालिफाई करता है? इख्तियार यह है कि आप अपने वक्त, अपने वसाइल, अपने मुआमलात उस तरीके से चलाएं और उससे वो नताइज निकले जो आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने वसाइल भी स्पेंड करें, वक्त भी स्पेंड करें,
मामलात भी चलाने की कोशिश करें लेकिन नतीजा वो ना निकले जो आप चाहते हैं। आपने एक चीज सोची, आपने मिसाल के तौर पे कहा कि जी हमारे यहां बिजली की कमी है तो लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए रेंटल पावर लेके आते हैं। रेंटल पावर आ गई, अरबों रुपया लग गया, टाइम भी गुजर गया, सब कुछ गुजर गया, लेकिन नतीजा नहीं बदला क्योंकि आप अल्लाह के कवानीन के मुताबिक क्वालिफाई अगर करेंगे कि आपको इख्तियार दिया जाए तो आपके मटीरियल जराए आपकी हिकमत अमली वो नतायज मुरतब कर पाएगी जो आप चाह रहे हैं, वरना आप अमल करते रहेंगे नतीजे नहीं मिलेंगे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दो नए निकल आएंगे। आप क्वालिफाई अगर करते हैं कि हुक्मरान आपकी मर्जी के हों तो हुक्मरान वैसे बदले जाएंगे कि आपकी मर्जी के आ जाएं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो हुक्मरान आप तब भी बदल लेंगे लेकिन नए आने वाले हुक्मरान पहले वालों से वर्स्ट होंगे क्योंकि कौन क्वालिफाई नहीं करती कि इनको वो हुक्मरान दे। आखिरकार नौबत यहां तक पहुंची कि जिल्लत ख्वारी और पस्ती और बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था किस चीज का? कुरान कहता है कि पस्ती बदहाली महकूमी लोगों के आमाल का नतीजा है और उसको बदलने के लिए आमाल बदलने पड़ेंगे, हालात नहीं बदलने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही बदला वो पाएंगे। जिल्लत उन पर मुसल्लत हो गई, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला नहीं हो सकता है। क्या ये अहकामात पहले वाले लोगों के लिए हमारे लिए नहीं? ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले भी चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओ। हमारे लिए भी वही कानून है लिहाजा गौर कीजिएगा जो आपको बशारतें सुनाते हैं कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। मेरा भी यकीन है कायम रहने के लिए बना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके साथ जो गदका करेगा उसको मजे भी मिलेंगे नेमतें भी मिलेंगे। इसका यह मतलब नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह का कानून मकाफात अमल ही बदल गया। इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ने वो कानून ही साकित कर दिया कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हालात मुरतब करूंगा। हल क्या निकालेंगे, किसको बदलेंगे? अमाल। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल लेती। अब अगर मेरे ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, लाकानूनियत कर रहे हैं, तो इसका सबब कौन है? मेरे अमाल। और अल्लाह कहता है तुम्हारे आमाल के नतीजे पे अगर उनको मुसल्लत किया है तुम पे तो तुम उनको बदल नहीं पाओगे जब तक तुम अपने आमाल को नहीं बदलोगे। तो जब मैं चैलेंज करके उनको बदलने की कोशिश करूंगा तो जरा गौर कीजिए कि मैं असल में चैलेंज किसको कर रहा हूं। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ख्वाजा साहब ने अपना दी हुई अथॉरिटी वापस ले ली है और बैंक वाले को मना कर दिया कि नहीं करना और मैं बैंक वाले से लड़ रहा हूं, या मुझे इन्होंने एक कार्ड दिया हुआ है कि आप जब भी आए स्कैन करके अंदर एंटर हो जाएं और किसी भी मेरी वायलेशन की वजह से उस कार्ड को इन्होंने कैंसिल कर दिया और मैं बाहर खड़ा सिक्योरिटी वाले से लड़ रहा हूं कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा और मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा और ये कर दूंगा। तुम्हें जानता नहीं, हम भी तो कहते हैं ना साढ़े तो चूने कोई नहीं आई, सानू तो जानता नहीं।
फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। नताइज मुरत्तब हो के रहेंगे, नताइज मुरत्तब हो के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। और सूरह अनाम आयत नंबर 129, देखो इस तरह हम जालिम को एक दूसरे का सरपरस्त बनाते हैं उस कमाई की वजह से जो वो करते हैं। ये वो कानून है जिसके जरिए से निजाम और बनता है और हुक्मरान आते हैं। और हुक्मरान और निजाम बदलना है तो वो असबाब बदलने होंगे जिनकी वजह से वो आते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने आमाल को ना बदले। मसाइल असल में आते हैं कौम को ये बताने कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं और तुम्हें किस सिमत में तब्दीली लानी है। कुरान से पूछिए, थोड़ा सा पढ़िएगा क्या कहता है। सारी ऐनक नहीं लाए हुए तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व अलाम में मुबतला किया ताकि वो आजी के साथ हमारे सामने झुक जाए। सूरह इनाम 45। जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो उन्होंने आजी इख्तियार की, क्यों ना की मगर उनके दिल तो और सहत हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। लिहाजा मुश्किलात क्या चाहती हैं मुझसे, आजिज़ी इख्तियार की जाए, वापस मुड़ा जाए। अगर बिजली की कमी आई है तो ये क्या बताती है कि जरा गौर करो क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे अमाल में क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन मैंने क्या किया है, जनरेटर खरीदा, यूपीएस खरीदा। कहीं ये इस आयत का दूसरा हिस्सा तो नहीं हो गया। उसी सिमत में तो तब बढ़ता जाऊंगा ना जब शैतान मुझे ये यकीन दिला देगा कि तुम तो दुरुस्त हो, कर जाओ अबूर इस मुश्किल को। तो जनरेटर भी लगा लेंगे, यूपीएस भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आसानी आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। वो तभी आएगा जब पहले क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मैं अर्ज करता होता हूं कि मुश्किलात को दूर करने की कोशिश कभी ना कीजिएगा। अब पहले गौर करें कि ये मुश्किल आई क्यों, क्योंकि वो कहता है कि जितनी भी तुम्हें भलाइयां आसानियां मिलती हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हैं। मा असाबा का मिन मुसीबत फल नफ्सी, तुम्हें जो मुश्किल आती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा, तुम कोई भलाई नहीं कमा सकते, वो बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से आती है। तुम्हारी मुश्किल तुम्हारे अमाल की वजह से आई, तो वो आई है तो मुझे सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि मुआशी तंगी आई है तो मैंने कौन से कवानीन की वायलेशन कर दी है। क्योंकि उसका तो वादा था कि जैसे जानवरों को, पत्थर को के अंदर कीड़े को रिस्क देता हूं तुम्हें भी दूंगा, तो मेरा रिस्क महदूद क्यों हो गया, कोई वायलेशन की है ना मैंने, तो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और साले अमल करें कि वो उनकी इस तरह जमीन, उनको जमीन में इस तरह खलीफा बनाएगा जिस तरह उससे पहले वालों को बना चुका है। और खलीफा वो होता है जिसके पास मुकम्मल अथॉरिटी होती है, वो काम को वैसे अंजाम देता है जैसे नतायज वो लेना चाहता है। हर अमल का नतीजा वो निकलता है जो वो
देना चाहता है, ये नहीं निकलता कि पैसा भी खर्च हो गया, काम भी अंजाम पा गया बजाहिर, लेकिन हालत भी बनी, और उनको मजबूत बुनियादों पर कायम करेगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद किया, और उनकी मौजूदा हालत को, हालत खौफ को अमन से बदल देगा। खौफ को अमन से बदलने की शर्त क्या है? देखिए, ईमान अल्लाह की जात के ऊपर ना ईमान मुमकिन है ना इनकार मुमकिन है। ईमान अगर मुमकिन है तो उसके कानून पे, उसके अहकाम पे। सर, आपके मैनेजर, आपके कोई इंप्लाई अगर आपकी बात ना माने, उस सिस्टम जो आपने अपने कारोबार को चलाने के लिए बनाया उसको कबूल ना करे, तो आपकी अथॉरिटी को मानता है? तो जो अल्लाह ने कानून बनाया इस कायनात को चलाने का, अगर मैं उसको नहीं मान रहा तो मैं कहूं मैं अल्लाह पे ही मान लिया है। अमले साले फिर खौफ को अमन से बदलेगा। ले लाफे कुरैशी नी लाफेहिम रेहलतश्यताय वसय, खौफ को अमन से वो बदलता है, तुम नहीं बदल सकते। हालात को, अंजाम को वो बदलता है, तुम नहीं बदल सकते। तुम जो बदल सकते हो वो है जो तुम्हारे नफ्स के अंदर है, बाहर की चीज को नहीं बदल सकते। बाहर की चीज को तब बदल सकते हो जब वो तुम्हें इख्तियार देगा। असबाब, मेरी नाकिस राय में जो सबसे पहली फाउंडेशन है वो खुद शनासी और खुद साजी से इनकार और उसका फुकदान है, और दोनों ही चीजें खुद शनासी और खुद साजी से इनकार के नतीजे में दूसरा इनकार बनता है, वो है अल्लाह की रबूबियत का इनकार। वो कहता है आपसे मरने के बाद सबसे पहला सवाल क्या किया जाएगा? मन रखोगे? और आपसे पहला अहद क्या लिया? अलस्तो रब्बे को, मतलब क्या है? क्या मैं तेरा रब हूं? सूरह आराफ आयत नंबर 172 और 173। याद करो वो वक्त जब हमने बनी नौ इंसान को इकट्ठा किया एक जगह पे और उनसे अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं, और तुम सब ने कहा कि हाँ। और अगली आयत इससे बहुत ज्यादा है, ये हमने इसलिए किया कि रोजे कयामत तुम ये ना कह सको कि तुम ला इल्म थे। इसका मतलब है ये वो मैनिफेस्टो है जिसके मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारनी है, और यही एक सवाल है जिसका जवाब रोजे कयामत मुझसे पूछा जाएगा। या फिर तुम ये ना कहो कि गलती मुझसे पहले आने वालों ने की थी, हम तो उस पे रस्ते पे चलते हुए गलत हो गए थे। यानी ना तो मैं ला इल्म हूं कि मेरा इम्तिहान क्या है, और ना ही दूसरों की गलत रविश मेरे गलत होने का सबब हो सकती है। जब पहला सवाल अहद यही है और मरने के बाद पहला सवाल यही है, तो दरमियान की मोहलत में साबित भी तो सिर्फ यही करना है ना कि रब कौन है। रब का मतलब वो होता है कि वो हस्ती जो मेरी हर हर जरूरत जूते के तस्मे से लेके मेरे मकान तक हर चीज मेरी जरूरत की का पूरा करे, तो फिर मेरा करने का काम है। अल्लाह की जगह पे कुरान के मुताबिक कोई और इंसान का इलाह या रब बन सकता है तो वो सिर्फ उसका नफ्स है। तुमने देखा है ऐसे शख्स को आरायत अल्लज़ी हवाहू इलाहू, जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है,
इला उसको कहते हैं जिसकी मर्जी हासिल करने के लिए इंसान अपना वक्त, सलाहियत और वसाइल सर्फ करे, जिसको राजी और खुश करने के लिए इंसान अपना वसाइल, वक्त और सलाहियत सर्फ करे, वो उसका इला होता है। तुमने देखा है ऐसे शख्स को जो अपनी तमाम तर सलाहियत, तमाम तर वक्त, तमाम तर वसाइल सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए सर्फ करता है, फिर उसका अंजाम बहुत बुरा। ऐसे शख्स के कान हैं वो सुन नहीं सकता, आंखें हैं वो दिल नहीं देख नहीं सकता, दिल है वो समझ नहीं सकता। ऐसे इंसान जानवर है बल्कि बल अजिल लोग उससे भी बढ़कर। तुम क्या समझते हो कि आंखें देखती हैं, हकीकत में दिल देखते हैं। कान बहरे नहीं होते, दिल बहरे होते हैं, तो तुम क्या मुर्दा लोगों को सुनाओगे? जो मानने को तैयार नहीं, और जहां जहां कुरान आयात का कहता है प्री डोमिनेंटली सिर्फ इस मायने में आयात है, आयात का मतलब होता है निशानी, कि मैं निशानियां दिखा रहा हूं कि तुम्हारा रब मैं हूं, तुम्हारी कोशिश से तुम्हारे वसाइल पैदा नहीं होते, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती, वो मैं बंदोबस्त करता हूं। या अय्युह इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आए इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब करीम से गर्क कर दिया है? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दे, क्या अल्लाह अकेला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है कि उसकी जरूरतें पूरी करे? काइंडली पढ़िएगा। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत हास तक तुमको अच्छा समाने ज़िंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा, लेकिन अगर तुम मुँह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। सूरह हूँ आयत नंबर 3। कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दिया, कहा गया वमा अरसलनाक इल्ला, ये भी कहा गया दूसरी जगह पे वमा अरसलनाक इल्ला शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा। अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि हम जब किसी चीज की किसी भी पॉसिबिलिटी को खत्म करना होता हो तो आप ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं सिवाय इसके, यानी देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी एट ऑल। तो हमने आपको नहीं भेजा किसी और काम के लिए, सिर्फ तीन करने आए, शाहिदन नमूना दिखा दो कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है, वह मुबशिर और बशारत दे दो कि जब इंसान ये साबित करेगा कि अल्लाह ही उसका रब है तो उसको इनाम क्या मिलेंगे, वह नजीरा और उनको डरा दो, इंतजार कर दो कि जब इंसान इस बात से इनकार करेगा कि अल्लाह ही रब है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तीन चीजें बस, नमूना कायम कर दो कि जो ये मानता है कि उसका रब अल्लाह है उसकी जिंदगी कैसे होती है और उसको इनाम क्या मिलता है, और जो इस बात से इनकार करता है कि मेरा रब अल्लाह है, वो कहता है मैं रब मैं हूं, रब मेरा कारोबार है, रब मेरी जायदाद है, रब मेरी मुलाजमत है, तो फिर अंजाम क्या होता है? आयत पे जरा गौर कीजिएगा, व अन अस्तगफरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह। इन अल्फाज के मायने ये हैं कि पहले अस्तगफार करो अपने रब से, फिर तौबा करो। हालांकि तौबा पहले और इस्तगफार बाद में नहीं होना चाहिए। तौबा का मतलब होता है वापस पलट आना, लौट आना। आप गलत सिमत पे चल पड़े थे, नफ्स की सिमत पे चल पड़े थे, अल्लाह की तरफ वापस आना है, लेकिन वापस आप उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक पहले गाफरा नहीं होगा। और अब अरबी लफ्ज गाफरा का मतलब है खामी को दूर करना। पहले वो खामी दूर करो जिसकी वजह से तुम गलत सिमत पे चल पड़े थे, फिर अपनी सिमत पलटो, फिर तौबा करो, फिर वो तुम्हारे आमाल को बदलेगा।
पहले वो खामी दूर करो जिसकी बुनियाद पे गलती हो गई थी। जबानी तौबा कबूल नहीं है। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया हो? इलाह वो होता है जिसको राजी करने के लिए अपना